मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनेगी आदर्श राजधानी। भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए 25 वर्षों का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, साथ ही प्रदेश को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए भी नए सिरे से प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के विकास संबंधी कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने प्रदेश को झुग्गी मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले भवन तैयार करने का कार्य हो, फिर झुग्गियों को खाली कराया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। साथ ही भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के उद्देश्य से आगामी 25 वर्षों के प्लान को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भोपाल शहर सहित अन्य जिले और स्थानों पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाए। भोपाल में बड़े तालाब का स्वरूप प्रभावित किए बगैर एलिवेटेड कॉरिडोर का प्लान तैयार किया जाए। भोपाल विकास को लेकर के हमने आज मीटिंग की है। मुझे इस बात का संतोष भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को बिठा करके हमने भोपाल में विस्तृत प्लान बनाने की बात कही है। ये आदर्श राजधानी के रूप में भी विकसित हो, भविष्य में जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 तक के अमृत काल तक का एक प्लान बने, और इसमें खास करके नगरी सीमा या वर्तमान की भोपाल जिले की सीमा ऐसा नहीं तो आसपास के जिलों को जोड़ करके भी भविष्य का एक विस्तृत प्लान बनाने की भी एक मेट्रो सिटी के नाते से भोपाल की कल्पना की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। साथ साथ कुछ और विषयों पर भी हमने आज निर्णय किए हैं। एक तो भोपाल को यहाँ जो झुग्गी में हमारे भाई बहन रहते हैं इनको पक्का मकान मिले, इनकी समस्या का समाधान हो, ये झुग्गी मुक्त मध्य प्रदेश में हमारी राजधानी बनना चाहिए, इस दिशा में भी हमने निर्णय किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।